भारत जोड़ो यात्रा, दैट देयर इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम एवरीबॉडी. दैट इज एक्चुअली द इंडियन ट्रेडिशन. आवर कंट्री हैज द एबिलिटी टू अब्सॉर्ब एनी आइडिया दैट कम्स. कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सर ने मामले में बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में मिली 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है. वही अब राहुल गांधी संसद में जाकर भागीदारी कर सकते हैं. यही नहीं, राहुल गांधी की सांसदी भी बहाल रहेगी. बता दें कि अगर इस सजा पर रोक नहीं लगती तो राहुल गांधी सांसदी से अयोग्य हो जाते और अगले 8 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाते. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और INDIA के तौर पर बने पूरे विपक्षी गठबंधन के लिए राहत की खबर है. इंडिया दैट रिस्पेक्ट्स द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया दैट इज हम्बल, इंडिया दैट लिसन्स, इंडिया दैट इज अफेक्शनेट, एंड दैट इज द इंडिया दैट यू रिप्रेजेंट. यू वुड नॉट बी हियर इफ यू डिड नॉट एग्री विद दीज वैल्यूज. राहुल की सजा पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि अधिकतम सजा ही क्यों दी गई. अगर जज ने 1 साल और 11 महीने की सजा दी होती तो राहुल गांधी अयोग्य घोषित ना होते. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि इस केस में 1 दिन की भी कम सजा होती तो राहुल गांधी सांसद रहते. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के प्रभाव व्यापक है. इससे न केवल राहुल गांधी का सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित होता है बल्कि उन्हें चुनने वाले मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित होता है. सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है. अंतिम फैसला आने तक दोष सिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है. आपको बता दें कि 23 मार्च 2023 को गुजरात के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी. हालांकि अदालत ने राहुल गांधी को तुरंत जमानत देते हुए सजा के खिलाफ अपील के लिए 30 दिनों का समय दिया था. उनकी सजा पर भी रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद 3 अप्रैल को राहुल ने सजा के खिलाफ सूरत की सेशन कोर्ट में अपील की थी. लेकिन वहां से राहत ना मिलने पर कांग्रेस नेता गुजरात हाई कोर्ट भी गए पर राहत नहीं मिल सकी. दरअसल ये पूरा मामला 2019 का है, जब राहुल गांधी चुनाव अभियान के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी पर हमलावर होते हुए कहा था कि सारे चोरों के नाम के साथ मोदी क्यों लगा होता है. उन्होंने ललित मोदी, नीरव मोदी का जिक्र करते हुए ये बात कही थी. उसके बाद बीजेपी विधायक ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं. यहाँ पे देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं. पूरा देश समझ गया है कि नरेंद्र मोदी जी बीजेपी का मतलब सिर्फ 2-3 लोगों को फायदा पहुंचाना, देश का पूरा धन उनके हवाले करना. कांग्रेस का मतलब गरीबों के साथ खड़ा होना, गरीबों के साथ मिलना, गले लगना और गरीबों के लिए काम करना.